हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुपिटर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, मैंने सिलोजिज्म के पिछले वाले पार्ट में आपको इसका बेसिक पढ़ाया था, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आज इसका पार्ट सेकंड लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको इधर आर का केस समझाने वाला हूं। देखो, ये वाला जो इधर आर का केस जो होता है ना, ये थोड़ा ट्रिकी होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है, बहुत इजी होता है, बस आपको इसके रूल जानने हैं, क्योंकि इसका मैं बेसिक पार्ट अब करवा चुका हूं। देखो, ये पार्ट देखने से पहले आपको इसका बेसिक पार्ट देखना बहुत जरूरी है। पहले आप वो पार्ट देखिए, वो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अब ये उसका अगला पार्ट है, तो क्योंकि देखो उसके बगैर आपको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा, तो चलो इसके रूल्स देखते हैं क्या क्या, अपना बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो पहला रूल जो है इसका, पहला रूल है कि एलिमेंट शुड बी सेम इन कंक्लूजन। जो इसके एलिमेंट्स हैं वो कंक्लूजन में सेम होने चाहिए, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नहीं होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल यहां पे दिखा दूं, अगर यहां पे लिखा होगा सम ए आर सी, ठीक है, और नीचे लिखा होगा सम ए आर नॉट सी, ठीक है। देखो, ये ए और सी जो है ना, ये क्या है बच्चों, ये है हमारे एलिमेंट्स। ये इसमें भी सेम होने चाहिए, पहले वाली कंक्लूजन में भी सेम होने चाहिए, दूसरी वाली कंक्लूजन में भी सेम होने चाहिए, अगर तीसरी कंक्लूजन भी दी है तो उसमें भी एलिमेंट्स यही होने चाहिए। मैंने यहाँ पे एग्जांपल ए और सी की ली है बच्चों, वहां पे कुछ जैसे रैट्स कैट्स भी हो सकती है, कैट्स रैट्स भी हो सकती है, तो आगे एग्जाम्पल जो है हम उसमें समझ लेंगे, ठीक है। अगला जो है, दोनों ही जो कंक्लूजन हैं वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। चाहे दो कंक्लूजन हैं, तीन कंक्लूजन हैं, वो क्या होनी चाहिए, रॉन्ग होनी चाहिए। कंप्लीमेंट्री पेयर्स, अब देखो बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कंप्लीमेंट्री पेयर्स, कंप्लीमेंट्री पेयर्स क्या होंगे यहाँ पे, जैसे कि सम एंड नो होना चाहिए, ऑल या सम नॉट होना चाहिए, सम या सम नॉट होना चाहिए। देखो, आपने इसको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, ठीक है। मैं यहां पे आपको एक सिंपल चीज बताऊंगा जिसमें सम और नॉट होगा, ठीक है। सम नॉट होगा, आपने उसको देखना है, ये बिल्कुल भी आपको याद नहीं रखना है, बिल्कुल कट कर दो इसको, ठीक है। ये इसके तीन रूल्स हैं, ठीक है, इनको आपने अपने दिमाग में उतार देना है, कि जितने प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही बेस स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। चलो, इसका हम आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, यहाँ पे एक इसकी मैंने क्या लिया है, सम ए आर बी, मैंने लिखा है कि कुछ ए जो है वो क्या है बच्चों, बी है, नो बी आर सी, कोई भी बी जो है वो सी नहीं है। पिछली वीडियो से आपको पता लग गया होगा कि इसकी वेन डायग्राम जो है वो कैसे बनानी है। चलो मैं यहाँ पे फिर से बनाता हूं, कहता है कि सम ए आर बी, कहता है कि कुछ ए जो है वो बी है, नो बी आर सी, मैंने बोला था जब नो का केस आता है तो वहां पे बिल्कुल ये क्रॉस हो जाता है कि कोई भी बी जो है वो सी नहीं है, ठीक है बच्चों। इसको कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन में क्या कहा इसने, कंक्लूजन में कहा कि सम ए आर सी, कहता है कि कुछ ए जो है वो सी है, सम ए आर सी, क्या कुछ ए सी है, बिल्कुल भी नहीं है, कुछ ए जो है बी है लेकिन वो सी नहीं है, बिल्कुल, देखो यहाँ पे बिल्कुल क्रॉस लगा हुआ है, कोई भी ए जो है सी नहीं है। तो अगला कहता है कि नो ए आर सी, कहता है कि कोई भी ए जो है वो सी नहीं है, क्या कहता है, कोई भी ए जो है वो सी नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि देखो नो ए आर सी कहता है कि कोई भी ए जो है वो सी नहीं है, ठीक है, हो सकता है ना ये ए जो है सी हो सकता है, लेकिन ए जो है सी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। तो देखो हमारा यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो गए, गलत हुए कि नहीं हुए, देखो ना, पहला भी गलत हुआ, दूसरा भी गलत हुआ। इसने क्या कहा था कि दोनों ऑप्शन जो है हमारे रॉन्ग होने चाहिए, कंप्लीमेंट्री पेयर जो है सम और नॉट होना चाहिए, दूसरा भी हमारा फॉलो करता है, ठीक है। तो ये देखो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपके पास इधर आर फॉलोज, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, इधर आर फॉलोज, वो जो मैंने आपको टर्म एंड कंडीशन कहे इसके। देखो ये वाली चीजें कि एलिमेंट्स जो है वो सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स भी हमारे सेम हैं, दोनों जो है गलत होने चाहिए, और हमारे कंप्लीमेंट्री पेयर जो है वो होने चाहिए। देखो ये तीनों जो है इस क्वेश्चन में क्या हो रही है, बिल्कुल ही
फिट बैटरी है तीनों चीजें, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, इधर आर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखो हमारा ये क्वेश्चन लिया हुआ मैंने, वो पीछे एग्जांपल थी। अब यहाँ पे क्या है, कहता है कि ऑल कैट्स आर डॉग, इसमें क्या करना है अपने साथ साथ इसकी जो वेन डायग्राम जो होती है उसको आपने बनाते रहना है। क्या कहता है कि ऑल कैट्स आर डॉग, जितनी भी कैट्स हैं वो सब क्या है बच्चों, डॉग्स हैं, ठीक है। फिर कहता है कि सम डॉग्स आर रैट्स, कहता है कि कुछ डॉग्स जो हैं वो रैट्स हैं, ठीक है, ये कुछ डॉग्स जो हैं ये रैट्स हैं। अब यहाँ पे हम इसका देखते हैं कंक्लूजन में क्या पूछता है। कंक्लूजन में बताता है कि ऑल कैट्स आर रैट, कहता है कि जितनी भी कैट्स हैं वो सब रैट हैं। क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको, बिल्कुल भी नहीं है। ऑल कैट्स जो है वो डॉग्स हैं बल्कि रैट नहीं है, पहले ये गलत। फिर कहता है कि सम कैट्स आर नॉट रैट्स, कहता है कि सम कैट्स आर नॉट रैट्स। देखो यहाँ पे इसने नॉट कहा ना, यहाँ पे नॉट तो हमने नॉट वाला साइन कहीं भी नहीं बनाया हुआ है, तो यहीं से ये जो कंक्लूजन है ये भी गलत हो जाती है। इसका मतलब ये दोनों भी इसमें क्या है, गलत हैं। पहला इसमें क्या कहा है, दोनों जो है हमारी क्या होने चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए। यहां भी कैट है, यहां भी कैट है, यहां भी रैट है, यहां भी रैट है। जरूरी नहीं है कि ये यहीं पर हो, ये रैट यहां भी हो सकता है, ये कैट यहां भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एलिमेंट्स जो है वो दोनों सेम होने चाहिए। पहली जो हमारी क्या थी, रूल जो था वो इसने फॉलो कर लिया। दूसरा रूल है कि दोनों रॉन्ग है, वो भी इसने फॉलो कर दिया। तीसरा रूल जो है सम और नॉट होना चाहिए, देखो यहाँ पे सम भी है नॉट भी है, इसका मतलब तीसरी भी इसने फॉलो कर ली है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा इधर आर फॉलोज। आपने जहां पे इधर आर फॉलो होगा उसको टिक करके आ जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो ये इसका अगला क्वेश्चन है, कहता है कि सम बर्ड्स आर नेस्ट। देखो क्या करना है, जैसे क्वेश्चन पढ़ना है वैसे आपको वेन डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देना है। कहता है कि सम बर्ड्स आर नेस्ट, कहता है कि कुछ बर्ड्स जो है वो क्या है, नेस्ट है। ऑल स्पैरोज आर बर्ड्स, ऑल स्पैरोज आर बर्ड्स, ये स्पैरोज हैं सारे क्या है, बर्ड है। अगर ऐसे नहीं बनाना तो मैं आपको बताता हूं, पहले ऑल जो है ना, पहले ऑल का बनाओ। ऑल स्पैरोज आर बर्ड्स, जितने भी स्पैरो हैं वो सब क्या है, बर्ड्स हैं। सम बर्ड्स आर नेस्ट, कुछ बर्ड्स जो है वो नेस्ट है। देखो अब बन गई, यहां भी ऐसे बनी थी, यहां भी ऐसे बनी थी, थोड़ा कंफ्यूजन के लिए मैंने आपको ये दूसरी वेन डायग्राम बना दी। कंक्लूजन में क्या बोलता है कि ऑल स्पैरोज आर नेस्ट, कहते हैं कि जितने भी स्पैरोज हैं वो क्या है बच्चों, नेस्ट हैं। बिल्कुल नहीं है, देखो ऑल स्पैरोज आर बर्ड्स हैं बट नेस्ट नहीं है, ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। अगला कंक्लूजन कहता है कि सम स्पैरोज आर नॉट नेस्ट, कुछ स्पैरोज जो है वो नेस्ट नहीं है। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कहा था कि यहाँ पे नॉट का हमने कोई है ही नहीं। हाँ अगर ऐसे होता हमारे पास, सम स्पैरो ऑल स्पैरोज आर बर्ड्स एंड ऑल बर्ड्स आर नॉट नेस्ट, वहां पे होता तो वहां पे ये कंक्लूजन फॉलो करता भी, लेकिन हमारे पास है ही नहीं इसको, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्रॉस कर देंगे। सम स्पैरोज आर नॉट नेस्ट, नॉट जब यहाँ पे है ही नहीं इसका मतलब ये भी गलत हो जाता है। पहली जो हमारी ट्रिक होती है, जो रूल होता है, कहता है कि दोनों जो हैं एलिमेंट सेम होने चाहिए, स्पैरो स्पैरो नेस्ट नेस्ट, मतलब पहली फॉलो कर दी। दूसरा कहता है कि दोनों रॉन्ग होने चाहिए, दूसरी भी इसने फॉलो कर दी। तीसरा कहता है कि दोनों क्या होने चाहिए, कंप्लीमेंट्री जो पेयर है सम और नॉट होना चाहिए, तीसरी भी इसने फॉलो कर ली है। मतलब ये तीनों जब फॉलो कर लेगा तो उस वक्त हमारा कौन सा केस बन जाएगा बच्चों, इधर आर का केस बन जाएगा, ठीक है। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये इसका अगला क्वेश्चन है, कहता है कि ऑल कैट्स आर डॉग, जितनी भी कैट्स हैं वो सब क्या हैं बच्चों, वो सब डॉग्स हैं। सम डॉग्स आर मंकीज, कुछ डॉग्स जो हैं वो मंकीज हैं। फिर कहता है कि सम कैट्स आर मंकीज, कुछ कैट्स जो हैं वो मंकीज हैं, बिल्कुल भी नहीं है, कुछ कैट्स जो हैं मंकीज है ही नहीं, क्योंकि कैट और मंकी के बीच में देखो कोई रिलेशन नहीं ना आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल भी दोनों क्या है इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कुछ कैट्स मंकी हो ही नहीं सकती, ठीक है ही नहीं। सम कैट्स आर नॉट मंकी, मैंने जैसे पिछले में कहा था कि नॉट वाला जब होगा ये बिल्कुल ही गलत होगा बच्चों, इसका मतलब ये भी गलत है। तीसरी फॉलो, पहले भी फॉलो करता है तो दोनों इसमें एलिमेंट्स हैं, दूसरी भी फॉलो करता है दोनों गलत हैं, तीसरी भी फॉलो करता है सम भी है नॉट भी है, सम भी है नॉट भी है, मतलब तीनों जब फॉलो करता है तो उस वक्त हमारा जो केस बनता है वो बनता है इधर आर का, ठीक है। अभी आप वीडियो छोड़ के जाना नहीं, अभी आप मैंने आपको एक और आपको कंसेप्ट यहाँ पे देना है, वो है ओवरलैपिंग का। कुछ जो ओवरलैपिंग कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं वो आपको अभी बताता हूँ, वीडियो के साथ बने रहिएगा।
ये देखिए ये है वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिन्हें ओवरलैपिंग वर्ड होते हैं, जो हमें कंफ्यूजिंग वर्ड लगते हैं, जहां पे हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग वर्ड है एनी, ईच, एवरी, जहां भी आपको आएगा, यानी के एनी ए आर बी, तो वहां पे आपने क्या लिखना है, एनी की जगह पे आपने आर लगा देना है, ठीक है। ये पहला कंफ्यूजिंग था। उसके बाद जब ये आएगा ओनली बी इज ए, जब आपके पास क्या आएगा ओनली बी इज ए, तो वहां आपने इसको उल्टा कर देना है। वहां पे आप क्या रखेंगे अपने माइंड में कि ऑल ए आर बी, जितने भी ए हैं वो सब क्या है, बी है। बच्चों समझ आ रहा है ना। तो अगला है कि जो तीसरा ओवरलैपिंग जो कंफ्यूजिंग जो वर्ड होता है हमारा, वो क्या है, एटलीस्ट, एटलीस्ट सम, ऑलमोस्ट, जनरली, मोस्टली। जब भी ये वर्ड आएंगे एटलीस्ट, एटलीस्ट सम, ऑलमोस्ट, जनरली, मोस्टली, तो वहां पे आपने उनकी जगह क्या रख लेना है, सम रखना है। जैसे कि एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको, एटलीस्ट सम ए आर बी, एटलीस्ट सम ए आर बी, वहां मैं क्या लिखूंगा कि सम ए आर बी, ठीक है। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग होता है। अगला होता है कि नन, नो वन, नॉट सिंगल, जहां पे भी ये होगा तो वहां पे आपने नो लेना है। एग्जांपल लेते हैं कि जैसे नो वन कार इज टायर, ठीक है, नो वन कार इज टायर, वहां पे मैं क्या लूंगा, नो कार इज टायर, ऐसे बना लूंगा, ठीक है। ये कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड है। अब अगला जो कंसेप्ट है वो है मिनिमम ओवरलैपिंग, कम से कम ओवरलैपिंग होनी चाहिए, क्या कम से कम, ज्यादा खिचड़ी आपको नहीं पकानी है। जैसे कि देखो ये मैंने एक कंसेप्ट लिया है यहां पे, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ठीक, सम बी आर सी, सम बी आर सी। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमने इस सी को यहां पे क्यों नहीं बनाया। देखो मैं यहां पे दूसरे कलर से इसको बना देता हूं, ये देखिए सम, इसको हमने ऐसे क्यों नहीं बना लिया, कुछ ए तो है इसमें। हमने क्या कहा कि मिनिमम ओवरलैपिंग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, मिनिमम ओवरलैपिंग, यानी कि ज्यादा खिचड़ी नहीं होनी चाहिए। देखो इसने कितने जगह से पॉइंट क्रॉस किया, वन टू थ्री फोर, फोर जगह से इसने इसको क्या कर दिया, कवर कर लिया, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें कैसे बनाना है, जैसे मैंने पहले बनाया कि आल ए आर बी, सम बी आर सी, सम बी आर सी, तो ये आपको ऐसे बनाना है, बल्कि ऐसे नहीं बनाना है। ज्यादा खिचड़ी आपको नहीं पकानी है, उससे ज्यादा आप ही कंफ्यूज होंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा इधर आर पे आज का टॉपिक। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा, देखो सिलोगिज्म तो हमने अब ऑलमोस्ट कंप्लीट ही कर दिया, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस क्या रहती है और आप क्वेश्चन को निकालने के लिए कौन सी अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। देखो मुझे सिंपल अप्रोच जो लगती है मेरे हिसाब से, जो है वेन डायग्राम बना के आप इसको बहुत इजीली जो है सिलोगिज्म के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियोस में, आपको आने वाली वीडियोस में मैथ्स भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है, जो हमारा साथ में चल रहा है एमसीक्यूज का, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है, चाहे वो ज्योग्राफी के हो, इकोनॉमी के हो, अभी तो ज्योग्राफी के एमसीक्यू चल रहे हैं, तो उसको भी साथ साथ आप देखें। तो इससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट छोटी छोटी वीडियो से आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको वहां पे ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग और छोटी छोटी वीडियोज में आपको बड़े बड़े कंसेप्ट जो है देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।